एलवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। सर, आप उप प्रधान भी रहे थे, उप प्रधान का चुनाव आपने कब लड़ा था और उप प्रधान के रूप में आपका जो कार्यकाल था उसका अनुभव कैसा रहा आपका? 2002 में उप प्रधान का चुनाव लड़ा था मैं, और वो अनुभव बहुत अच्छा अनुभव था कि गंगाबेन गमिती प्रधान बनी थी, पढ़ी लिखी महिला थी, तो गंगाबेन प्रधान बनी थी, हमने हम लोगों ने प्रधान बनाया था। और उसके बाद जो पंचायत समिति का जो काम काज सीखने का मौका मुझे उस टाइम मिला था कि पंचायत समिति में कैसे काम करते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे विकास को हम आगे दे सकते हैं, कैसे लोगों की तकलीफों कष्टों हम सहन कर सकते, दुख दर्द को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। उस टाइम मुझे अनुभव हुआ था कि नहीं, पंचायत समिति में रहकर करना चाहिए आगे, और निरंतर हम पंचायत समिति में काम करते थे, गंगाबेन प्रधान थे उसके नेतृत्व में हम काम करते थे, उस दरमियान सारे एक अच्छे वातावरण में पंचायत समिति थी, और मैंने जो पंचायत समिति का अनुभव किया, अच्छे अच्छे अधिकारी आते थे, काम हमारा सारा सिस्टमेटिक था। आज ही आपको मालूम हुआ, जब हमने पंचायत समिति, मेरे पिताजी रहे 15 साल प्रधान, गंगाबेन गमिती प्रधान रही, मैं प्रधान रहा, तुलसी मेघवाल प्रधान रही, सबका कार्यकाल नंबर, आज जो पंचायत समिति की दुर्गति है उसकी आपको मालूम होगा कि इतने बड़े इस पंचायत समिति के अंदर जो एक अच्छा वातावरण था, वो वातावरण पूरा दूषित हो चुका है। ऐसा वातावरण दूषित हो रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इसी पंचायत समिति जिसका नाम था, जिसकी खूबसूरती थी, आज इतनी नीचे स्तर पर आ जाएगी, तो उससे आज बहुत बड़ा दुख होता है। कहा जाता है कि लाल सिंह जी ने एक विकास अधिकारी पर इतना गुस्सा आया कि जीप लेके उसके ऊपर दौड़ानी चाहिए। पंचायत समिति के अंदर की बात है, महावीर जी भगोरा उस टाइम सांसद हो गए, एमएलए थे, ये भी वहीं थे, मेरे पिताजी वहीं थे, और हमने विकास अधिकारी को काम के बारे में बात की थी कि हमने कहा साहब ये काम गलत हो रहा है, पर उस गलत दिशा में काम करते, और भारतीय जनता पार्टी का शासन था उस जमाने के अंदर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नशे में चूर थे। हमने कहा ये टीचर स्कूल नहीं जा रहा है, इसके खिलाफ करो, तो जान दी, हमने कहा ये विकास के काम गड़बड़ हो रहे हैं, तो जान के हमने कहा फिर आप गलत करियो, मतलब आप इस तरह का वातावरण करो, मैंने कहा ये ठीक नहीं। फिर मैंने कोई गाड़ी वाड़ी की बात तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, मैंने ये जरूर कहा, मैंने कहा देखो आप पंचायत समिति के आप विकास अधिकारी हो, सरकार के आप कर्मचारी हो, अधिकारी हो, हम जो बात करें उसकी आप जांच करिए, कोई भी अगर टीचर बच्चे हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, अगर स्कूल नहीं जा रहा उसके आप खिलाफ कार्रवाई, जब विकास अधिकारी अधिकार थे उस दिन मैंने बात जरूर हुई थी, बाकी सारी महावीर जी वगैरह खुद मौजूद थे उस दिन, आज भी महावीर जी वगैरह जो मेरे संबंध है उनसे, उस जमाने वो खड़े थे उसके सामने बात कर रहा हूँ मैं, तो विकास जी ने कहा था मुझे मार रहे हैं साहब, पीट रहे हैं साहब, मैंने कहा मार रहे पीट रहे, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, कौन मार रहा है कौन पीट रहा है, तो एक वातावरण गंदा करने के लिए, क्योंकि इनको वातावरण गंदा के लिए, क्योंकि मेरी छवि ऐसी थी कि ये उस जमाने में पंचायत समिति कब्जा नहीं कर पा रहे थे, जब से मांगीलाल जी का चुनाव है तो कब्जा नहीं कर, तो वो खाली छवि खराब करनी, और इनका मकता नहीं कि जनता हमारे पक्ष में आज भी और कल भी है। कहा जाता है कि लाल सिंह जी ने इस इलाके को लूट लिया, कैसे लूट लिया? अब ये कोई माइका लाल पैदा हुआ हो और कुंदा की जनता में, चाहे बुजुर्ग हो नौजवान हो, मैं उसको आपके चैनल से माध्यम से कहता हूँ, लूट लिया तो मेरे सामने आकर बताया लूट लिया। लाल सिंह झाला वो व्यक्ति है, गरीब का पैसा गरीब की जेब के जाए, वो लूटने लाल सिंह झाला नहीं दिया, जो लूट रहे उनको लाल सिंह झाला ने रोका कि मैं लूटने नहीं दूंगा किसी कीमत पर। और किसी में दम है, किसी में इतना कहने का हौसला है, राजनीति करने की हिम्मत है, तो बिल्कुल मेरे सामने बैठे आपके चैनल के सामने बैठ के बहस करते हैं, कहाँ लूटा, किस लूटा, गरीब का दुख दर्द तकलीफ लाल सिंह झाला ने जितनी मदद की, आप भी घर के साथ कहता हूँ कि लोगों के दुख में दर्द तकलीफ में लाल सिंह झाला रात दिन खड़ा रहा, आगे भी खड़ा रहेगा, ये वो जनता है गोकुंदा को, मेरे तकलीफ में दुख में मेरे साथ खड़ी रही, मुझे इस जनता ने नहीं छोड़ा, इस जनता को प्यार में मेरी जिंदगी में नहीं भूलता, वो प्यार उसने जनता ने मुझे दिया था। आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, इनके पास कोई चारा नहीं है, ये और कोई लगा सकते नहीं है, इसलिए ये बातें करके लोग भ्रमित करते हैं। कहाँ लोग भ्रमित हैं, मुझे आप बताइए कि लोग भ्रमित होते तो मांगीलाल जी गरसिया पिछली बार 1700 वोट हारते, दूसरा चुनाव 2000 वोटों से हारे, भ्रमित होते तो 20000 से हारते हम, जनता हमारे सामने, हमारी कुछ गलतियों से, हमारे कुछ कार्यक्रम गलतियों से हम चुनाव हारे हैं, बाकी इनका भ्रम दूर कर देंगे, पंचायत समिति चुनाव में भ्रम दूर कर देंगे इनका। कई बार सुना जाता है कि लाल सिंह जी ने किसी मंच पे खड़े होकर ये कहा कि गोगुंदा वालों की मुझे गोगुंदा वालों के वोटों की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा आपने क्यों कहा सर? ये विपक्ष वालों की चाल है, वो बताते हैं
मैंने कभी इस तरह की बात नहीं, राजनीति करने वाला बात आदमी कभी इस तरह की बात नहीं करे। गोगुंदा की जनता को जो मैंने मानना प्रताप राजतिकल सेवा स्थल नरेंद्र सिंह सेवा तथा लेकर जो मेरे मन में कल्पना थी कि यहाँ टूरिस्ट सेंटर बने या लोग आवे, वो कल्पना हमारी शाखा ने भी हमारी सरकार ने मुझे 2 साल के लिए दिया। वो मैंने MP लैंड और MLA लैंड से पैसा लगाया। अगर मेरे दिमाग में गोगुंदा की जरूरत नहीं होती, ये मेरे दिमाग में सोच ही नहीं आती। मैंने कहा एक सुंदर पार्क बने, एक टूरिस्ट सेंटर बने, लोग यहाँ आवे, यहाँ देख के जावे और आम गोगुंदा की जनता का लोग सामने बाल बच्चे महिला पुरुष बच्चे खेलने आवे, इस पार्क को घूमे, ये मेरी कल्पना है। मैं ऐसा कभी जिंदगी में ऐसा सोचता हूँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये तो जो हमारे खिलाफ वाला है वो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी उनकी मन में सोच है वो बोल सकते हैं, पर मेरे मन से मैं किसी की ऐसी मेरी बात भी नहीं कर सकता। सर जिक्र आ गया है राजतिलक स्थली का, तो मैं कल परसों की ही बात बताऊं। मैं वहां पे गया तो देखा पहले 2 चरण में यहां पे काफ़ी पैसा लग चुका है, अभी 2-2.5 करोड़ रुपए और लगे जिसमें कुछ दरवाजे वगैरह वगैरह रिनोवेशन के काम हुए, लेकिन कल वापस जाके देखा तो वापस सारे तोड़ दिए हैं। सर सरकार आती पहला आदमी हूँ जो मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा था इस सेवा संस्थान को वापस दीजिए आप। मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर को आदेश भी दिए हैं कि इनको वापस दीजिए। मैंने कहा हमें दीजिए, हमें कोई ये चाहिए नहीं, हम तो इसको विकास करना चाहते हैं। जो इसकी दुर्गति हो रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में, इसके अंदर पैसा लगा, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा आपने देखा होगा। मैं क्या बताऊँ, हमने जो बनाया वो चीज़ आज पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। पैसा लगा रहे हो, किस बात का पैसा लगाना चाहते हो आप, इसकी हैंड ओवर करो, नहीं तो उसको रोक के रखो। पैसा जब इसको लगेगा, जब किसी की निगरानी में होगा, इसका रख रखाव करने वाला होगा, ये किसी निगरानी में होगा, इसके अंदर ताला चाबी रहे, जब चाहे खुले आज गायें भैंस बैल भेड़ अंदर जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। हम कहते पैसा क्यों लगाना चाहते हो, पैसा या किसी सरकार के माध्यम से लगाया। उस टाइम भी हमने जब राष्ट्र सेवा संस्था पैसा लगाया, करण सिंह जी सरपंच साहब थे, हमने एक पैसा का हाथ नहीं लगा। हमने कहा पंचायत के माध्यम से काम कराएंगे, हमारी नीयत में खोट होती हम खुद काम करा लेते, हमारी नीयत में खोट नहीं थी, हमारी नीयत साफ थी, हम कोई काम करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, इसे पंचायत माध्यम जो भी विकास करती होती ये उसमें आज ये काम कराएं। पंचायत के माध्यम से क्यों नहीं कराना चाहते, खुद क्यों करना चाहते? पंचायत के माध्यम से करिए और अन्य संस्थाएं पंचायत के माध्यम से करिए, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और उसके ऊपर निगरानी रखिए, आदमी रखिए। जुम्मे सरकार की जिम्मेदारी, आज हमारी सरकार हम गर्व से कहता हूँ, मैं इस भविष्य बना के उसको बताऊंगा, एक सुंदर इसको बनाकर बनूंगा। मैं हमारे मन में विचार एक मानना पड़ता है, राज तिलक इतना बड़ा हमें गौरव प्राप्त है, इस गोगुंदा को उस गौरव को हम सम्मान से आगे बढ़ाएं, मान बढ़ाएं। ऐसे मान जो हमारे मानना पड़ता है, जिनका इतिहास पूरा विश्व उनको पूछता है, ऐसे व्यक्तित्व को मगर राज तिलक स्थिर उसको हम आगे बढ़ाने की हमारी पूरी मन में कल सोच है, इच्छा है, शक्ति है, इसको हम वापिस हम पूरा ठीक करके बताएंगे। ऐतिहासिक मानचित्र में अपना स्थान रखने वाली ये जगह है, जिसके लिए आपने सतत प्रयास किया है, चाहे राणा पुंजा की वहाँ पर स्टैचू लगाने की बात हो, महाराणा प्रताप की स्टैचू लगाने की बात हो, और वहाँ पर कई तरह के सौंदर्यकरण के काम करवाने की बात हो, तो वो सब काम यहाँ करवाए हैं। आपके समय में भी हुए, भाजपा शासन के दौरान भी कुछ काम हुए, लेकिन एक बात यह है कि जो तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो इस क्षेत्र के ही लोग हैं, कोई इनको युवा है जो भी तोड़ते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा, जो मानना पड़ता है कि ऐसा स्थल अपने पास है, ऐतिहासिक स्थान अपने पास है, और आप इस चीज़ों को तोड़ने की प्रयास करोगे तो कोई संपत्ति ऐसी उसको तोड़ने के लिए नहीं बनाई जाती, उसको रख रखाव हमारी जिम्मेदारी बनती है, और वो करेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। हर साल हम प्रताप जयंती मनाते हैं पूरी ताकत मेहनत से, महाराज कुमार लक्ष्मण सिंह जी हमारे बीच में आते हैं, ये जो बिल्लू राणा की मूर्ति लगी उनको हमने निवेदन किया था, बिल्लू राणा की मूर्ति इसकी हमारी इच्छा थी, बिल्लू राणा की मूर्ति लगी, बाबा शाह की मूर्ति लगी, हकीम खान सूली की मूर्ति, झाला मान की मूर्ति लगी, इसको आप इनको तोड़ने की बात तो हम बिल्कुल मन में तकलीफ होती है, कष्ट होता है, उसके लिए हम पूरी कानून की मदद लेनी पड़ती है, लेंगे पर ऐसा हम रोकेंगे, उसको होने नहीं देंगे।